मैं ऐसे ऊपर देखता हूँ ना तो साई में एक उम्मीद की किरण जागती है, कुछ डायलॉग आएगा, फिर मैं साई को देख के बोलता हूँ, फिर साई ऐसे हो जाता है, देखना। नहीं तुम शुरू करो, तुम करो तुम तुम्हारा काम। कल के ब्लॉग में देखा होगा आपने, ये बम्पर टूट गया था मेरा एक छोटे से एक्सीडेंट में, अभी बम्पर खोल रहे हैं पेंटिंग के लिए। आज शायद बम्पर खोल के बेस वर्क में जाएगा और कल या परसों पेंटिंग होगी। दिखेगा कान टूटे, दोनों कान टूट गए, ये भी टूट गया है, ये भी टूट गया है। मुसीबत बढ़ती जाती है। तूने ये इसका जीरोधा का अकाउंट का वो कर लिया? काइट तूने वो स्टॉक्स ले लिए जो मैंने बोले थे? अकाउंट ट्रांसफर ही नहीं हो रहा मेरा, अभी 2 लाख का लिमिट होता है उसमें। दोनों नेट क्यों नहीं चल रहे यार? जीरोधा का अभी अकाउंट ओपनिंग बोल रहा है वो, कर देता हूं। फंड जोन सिक्योरिटी सेटलमेंट प्रेफरेंस, ये क्या होता है? अगर तूने फंड्स डाले हुए और भूल गया, महीना हो गया 2 महीना, तो अपने आप आ जाते हो अकाउंट, ऑटो डेबिट कर देते हैं। तो एक काम कर, उधर एक और मार दे, वहां भी एक और मार दे, पर इसी हाइट का मारियो अभी, ये जो जितना मारा है। नीचे वाला थोड़ा सा तिरछा है, बट चल जाएगा। हाँ ये थोड़ा ऐसा हो गया, बट ठीक है, चल जाएगा। एक हेलमेट लाइयो जरा। वाओ, ओ शिट, ये तो दिखाई नहीं मुझे। तेरा हेलमेट कहाँ है राघव? बाइक पे। चाबी दियो, किसी को भेज राघव के, उससे लेके आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, बढ़िया। वो हासिल के पोलो का बम्पर लेना। आधा एक जना बोलू तला का। मेरे भी जना बोलो, भाभी वाले को भेज देते हैं। अगर चलेगा उनको तो अभी वाले उसको डायरेक्ट पिट। हाँ पूछ ले भाई, टायर भी यूजेबल है, पेंट भी करने की जरूरत। उसको अभी अलॉय व्हील नहीं है क्या? नहीं, इसको व्हील नहीं। तो भी भाई के पास माल आ रहा है अभी। भाई बोलता अलॉय व्हील भी ले रहा हूँ मैं, टायर भी ले रहा हूँ मैं, नहीं है पार्ट रिपेयर भी करा रहा हूँ मैं। पार्ट रिपेयर वो तो जरूरी है, वो मेरे को मेरी नेसेसिटी है। और वो जो है वो ऐसे ही ले रहा हूँ कि वो आप पे, बस इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा मैं, वो आप पे बर्डन ना है। डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाऊंगा मैं, यूएस स्टॉक नहीं खरीदूंगा मैं, पर अलॉय व्हील जरूर खरीदूंगा। घर नहीं जाऊंगा मैं। हाँ तो ये खोल देंगे ना, खोलने के बाद कुछ डैमेज रहा तो देख लेंगे, कुछ जो भी रहेगा। ये तो नया डोर है, इसके अंदर का मटेरियल मत निकालो कुछ भी, ऐसी डोर निकाल के रख दो, नया डोर लगा के अलाइनमेंट चेक कर लो, पेंटिंग को डाल देंगे, ये रिपेयर कर दो। क्या प्लान है अभी, शुरू किया कैसे कर? शुरू किया अब, इसका डोर आ गया नया वाला, ये एज इट इज निकाल के रख देंगे, नया वाला डोर अलाइनमेंट कर लेंगे, बाकी जो रिपेयर वर्क है वो कर लेंगे, उसके बाद पेंटिंग। मैं तो पहले ऐसा कलर बॉडी के लिए सोचा था, टैक्टिकल ग्रीन करके ऑडी का कलर आता है, वो सोचा था। अभी अभी क्या सेट करके देख रहा है? वो गाड़ी वाला जो रैपिड देख के गया था, मेरे को बोल के गया मुझे 2-4 दिन लगेंगे मेरे डॉक्यूमेंटेशन का वो करने में, अब मुझे अकाउंट नंबर दे दो मैं पेमेंट करता हूँ। हाँ। अभी मैंने मैसेज किया, आज अगर क्लोज नहीं किया तो फिर मैं दूसरे को दे दूंगा, और लोग वेट कर रहे हैं। क्या है, पेमेंट अलग बात हुई थी, और वो डॉक्यूमेंट आप पेमेंट कर दो गाड़ी की, या डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे। मेरे को मालूम है, मैं इंतजार थोड़ी करूंगा, आप लोगे नहीं लोगे, बोला आप रुक नहीं सकते तो आप दे दो। मैंने कहा ठीक है। एक और दूसरा बंदा है, अगर वो वही क्लोज कर रहा है, मैंने बुला लिया उसको, आके देख रहा है, अगर क्लोज होता है तो इमीडिएटली क्लोज कर दूंगा।
क्या कर रहा है, उठा रहा है क्या? थोड़ा ऊपर का अलाइनमेंट भी मेरे ख्याल से ऊपर का मिलान देखा, ऊपर का हाँ अभी मिला, थोड़ा अंदर हाँ अभी मिला, सही बैठ गया है एक ही बार में। हाँ गेज वगैरह वही है, पतली दी है, ये जो सेकंड टाइम माल आता है ना उसके पत्रे की गेज हल्की रहेगी रहेगी, जो ओरिजिनल आता है गाड़ी के साथ में लग के वो थोड़ा सा हैवी रहता है, वो सारा फर्मे में कट के पहले, ये सब बाद का है ना, स्पेयर पार्ट्स का अलग होता है। मैच तो कर गया पूरा, कई बार क्या बहुत मुश्किल करता है मैचिंग करने में ना, थोड़ी भी अलाइनमेंट अगर टेढ़ी हुई ना कहीं से तो मैच ही नहीं करेगा। तसल्ली से देख लो अपना जैसे भी। फालतू का सर दर्द है क्या ये? नहीं तो तुमने बोला उसको कि वो खुद बोला चेंज कर लो, उसी ने बोला सामने। वापस से बोलो। मैं कह रहा हूँ गाड़ी देख कितनी मस्त लग रही है, कोई देख के बोलेगा एक साल पहले पेंट हुई है, मजा आ गया, कस्टमर खुश हो जाएंगे गाड़ी देख के। ओफ, वो रैपिड लेके आनी है, वो बंदा आ रहा है दूसरा, बाइक की चाबी देखना मेरे लिए आना। पीपीएफ किए हुए कितना टाइम हो गया सर? 4 महीने। फेब में किया था। फेब? ओ भाई साहब 8-9 महीने हो गए, टाइम का पता ही नहीं चला बिल्कुल। ये हैरियर हम लोगों ने करीबन 8-9 महीने पहले पीपीएफ की थी, बाय चांस यहाँ पे एक ये स्क्रैच और यहाँ पे एक ये स्क्रैच लग गया है, बहुत बारीक सा डेंट है तो यहाँ पर एक स्पॉट रिपेयर तो लेना पड़ेगा, बट ये जो सारा डैमेज है इस तरीके का ये पेनिट्रेट नहीं कर पाया पीपीएफ को। एक बार हम उतार के देखेंगे कि डैमेज एक्चुअली है कितना। सी तो ये नीचे का जो ये जो डैमेज आया है ये पीपीएफ पे आया है, ये जो लंबा वाला स्क्रैच हम लोग देख रहे हैं, और जितना मुझे समझ में आ रहा है ये वाला भी पूरा स्क्रैच जो है ये पीपीएफ ने बचा लिया है, बट एक बार ये क्लीन करके देखेंगे। ग्लू ही लग रहा है मुझे सारा। कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत बार देखा है बहुत लोग डाउट करते हैं कि अगर पीपीएफ लगाया है वो और उसको कुछ टाइम बाद निकाले तो क्या होगा। यूजुअली अच्छी क्वालिटी के जितने पीपीएफ होते हैं वो ग्लू रेजिड्यू ज्यादा कुछ छोड़ते नहीं है, निकालने की टेक्निक पे भी ऑब्वियसली मैटर करता है, बट अभी यहाँ पर सर्फेस पे ग्लू नहीं है, मैं हाथ एकदम आराम से लगा पा रहा हूँ। थोड़ा बहुत कभी कभी छूटता है, वो क्लीन करना पड़ता है, बट पेंट को डैमेज नहीं होता। और ये जो दाग है ये क्लीन हो जाएंगे वॉश करने पे, एक बार क्लीन हो जाएंगे। तो ये जो एक्चुअल डैमेज हुआ है वो यही धार पे ही इतना हुआ है, पीपीएफ भी एक्चुअली ये धार तक ही बैठा था, बाकी का ये जो सारा डैमेज था वो पीपीएफ के ऊपर था, और ये अच्छा खासा घसा है। नॉर्मली अगर यहाँ पीपीएफ नहीं होता तो ये 100% पेंट डैमेज होता था। डैमेज अभी भी हुआ है बट बहुत माइनर हुआ है। इसको सॉल्व करना बहुत रिलेटिवली इजी है, यहाँ पर सिर्फ इतना सा पेंट करना पड़ेगा, ये पैनल रिपेंटेड भी नहीं कंसिडर कहलाएगा, और दरवाजे पे तो 100% बचा हो गया। जितनी इरिटेटिंग लैंड रोवर है ना उतनी इरिटेटिंग अब इनको भी बना दिया है ना, कुछ भी खोलना खालना इतना हेडेक वाले काम है, पूरा ऐसा घसा हुआ था, सिर्फ इतना ही डैमेज हुआ। तो स्पॉट ले रहे हम। हाँ रैपिड हम लोग की सेल हो गई है फाइनली। जिनसे पहले बात हुई थी उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू था, वो बोले मुझे थोड़ा टाइम दो मैं वो करवा लेता हूँ। मैं कहा ठीक है आप कर लो, आई एम रेडी टू वेट, बट तब तक के लिए पेमेंट प्रोसेस कर दो। उन्होंने पहले बोला था कि मैं पेमेंट वगैरह प्रोसेस कर दूंगा, आप अकाउंट नंबर दे दो, पर फिर बाद में मैंने रियलाइज किया कि वो बोल रहे हैं कि मैं मेरा एड्रेस का पहले हो जाने दो, उसके बाद मैं पेमेंट दूंगा। मैंने कहा मैं इतना वेट नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू क्लोज इट एज सून एज पॉसिबल। मेरी भी पार्किंग वगैरह के इशू चलते ही रहते हैं, यहाँ पे भी रखनी मुश्किल है और घर के इधर भी रखनी मुश्किल है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आपको अगर किसी और को देनी है तो आप दे दो, अगर आप वेट नहीं करना चाहते। तो बाई चांस एक दूसरा बंदा था जो 4 दिन से मेरे पीछे
पढ़ा था जो ये सर थे कि मुझे आपकी गाड़ी लेनी है, पर मैं उनको बोला था देखो मैंने किसी और को कमिट कर दिया है तो इसके लिए मैं आपको ये नहीं दे सकता, जस्ट इन केस डील डजंट गो थ्रू तो मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगा। आज मैंने उन्हें कॉन्टेक्ट किया, वो टेस्ट ड्राइव के लिए आए और अपनी वाइफ को सरप्राइज भी दिया, उनकी वाइफ को पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, यहाँ ले आए और यहाँ सिचुएशन हो गई ऐसी कि वो बोल रही कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है वो। फिर उन्होंने बताया मैं गाड़ी खरीदने आया हूँ, फिर टेस्ट ड्राइव वगैरह ली, उनको अच्छी लगी तो उन्होंने क्लोज की। एक और बंदा था जो पीछे वेट कर रहा था तो मैंने उनको बोला कि हमारी डील क्लोज हो चुकी है, अब जस्ट इन केस इन्होंने तो एडवांस दे दिया है बट अगर बाई चांस ये डील क्लोज नहीं हुई तो देन फिर उनके साथ क्लोज करेंगे। क्लोज हो गई है, कभी कभी क्या होता है आदमी घर जाके कुछ बैकआउट हो जाए, कभी कुछ डिस्कशन घर में कुछ हो जाए तो आदमी क्या बोलता तो बैकआउट करता है, बैकआउट कर सकता है। तो जस्ट इन दैट केस ऐसा होगा नहीं, वैसे 1% चांस तो वी हैव समवन एल्स टू। चलो कांग्रेचुलेशन। यस कांग्रेचुलेशन, इस बार पापा मुझे डांट नहीं सकते, मैंने एडवांस लिया है। हर्षल से पूछ लूं फिर अलॉय व्हील लेने क्या उसने, भाई साहब यू वांट टू टेक अलॉय व्हील्स, तूने अलॉय व्हील लेने या नहीं लेने, अगर देख जबरदस्ती नहीं है हम कहीं ना कहीं बेच देंगे, जैसे रैपिड बेची है वैसे अलॉय व्हील भी बेच देंगे, अगर तेरे को सही में लेने हैं तो तू ले, अगर नहीं लेने तो कोई ऐसा मत। डिजाइन बहुत अच्छा है वैसे वो, एक ये अच्छा लगा, लोग थोड़ा थोड़ा पैटर्न पकड़ रहे हैं ना, तो डैम यू गाइज ऑल्दो यू मेक कार ओरिएंटेड व्लॉग्स बट योर वीडियो हैज दैट स्माइल फैक्टर, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू गाइज कम विद सच टाइप ऑफ आइडियाज, माय फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियोस आर दोस 1 minute एट द एंड, इट्स लाइक आइसिंग ऑन द वीडियो, आई लव योर कॉन्टेंट, ये लिखा है हर्षवर्धन ने। और क्या है, अच्छा ये किसी ने लिखा है, मतलब क्या ही बोलूं मैं, मशीन लवर ने लिखा है टाइम कैन नेवर बी क्रिएटेड बट एक्सट्रैक्टेड, इफ अ डे हैज 24 आवर्स एंड वी वर्क फॉर 12 आवर्स एंड रेस्ट फॉर 12 आवर्स वी कैन डू एक्स नंबर ऑफ कार्स इन 24 आवर्स, इफ वी हैव टू टीम्स हु कैन वर्क 12 आवर्स ईच देन वी कैन डू 2x कार्स इन 24 आवर्स, जस्ट अ सजेशन बाय द वे, दैट्स हाउ वी वर्क इन हॉस्पिटल्स व्हिच वर्क 24/7 एंड ब्रोटोमोटिव इज द बेस्ट कार हॉस्पिटल इन इंडिया। 12 घंटे ही नहीं सहन हो रहे भाई, तुम और 12 घंटे की शिफ्ट क्यों लगवाना चाहते हो, सोए ना क्या हम है, टीम तो नई टीम रख के कर लेंगे, हम क्या करें, हम 24 घंटे जाएंगे यार, मतलब कुछ भी है विश्की, कुछ भी चलो बाय। शर्मा आ रही है देख, दूल्हा ऑन द वे है ना, दूल्हा आ रहा है देखने, नहीं यार अनएक्सपेक्टेड है गणेश, कभी कभी ऐसा लगता है आते हैं खबर खत्म, कभी कभी ऐसे निकल जाता है बाजू से हवा की तरह। बहुत बड़े दुख भरी एक कहानी है, क्या हो गया कैसे बताऊं, सबको पेड़े दिया दिल लेकिन जिस भाई साहब उसी टाइम में वॉशरूम में चले गया था और पेड़े खत्म हो गए, पेड़े खत्म हो गया बेचारा, और मैंने 3 पेड़े खाए, नहीं आपने खा लिया मैंने खा लिया, अरे वाह तो लफड़ा हो जाएगा, ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है मेरे को याद इसलिए क्योंकि वहां जब वो नॉर्मल उबड़ खाबड़ नहीं है, वो पूरी ऐसी है, कोई नहीं अब उसने बलेनो कैंसिल कर दिया, रोड के हिसाब से गाड़ी चूज करेगा, कौन सी ले रहा है फिर, नहीं स्कॉर्पियो वन ले ले अब, और फिर पीपीएफ करना उसे पीपीएफ हमसे कराना, हाँ इधर से करवा लूंगा।